तो ये हो गया दिन भर का रिविजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, वोटिंग से 3 दिन पहले मोदी राहुल एक ही जगह पहुंचे और फिर क्या हुआ आज आपको दिखाऊंगा। राहुल के हेलीकॉप्टर पर छापे से हंगामा मचा है, लेकिन उधर जो 4,000 करोड़ मिले उसका क्या? ममता बनर्जी की नई चेतावनी निशाने पर चुनाव आयोग क्यों आ गया? बिहार में योगी घुसे तो लालू को कैसे साइलेंट मोड से बाहर आना पड़ा? दिल्ली में कैसे कन्हैया कुमार वर्सेज मनोज तिवारी का चुनाव हो रहा और उसमें कौन भारी पड़ रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। यानी सबसे पहले 2024 के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर का चैप्टर। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को पहला वोट पड़ेगा और इससे पहले चुनाव प्रचार धीरे धीरे अब पीक पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस सबसे पहले दक्षिण पर है, यह तो दिखाई है लगातार, क्योंकि वहां पर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पहले और दूसरे चरण में वोटिंग है। और नरेंद्र मोदी का फोकस है, चूंकि बीजेपी को 370 पार ले जाना, एनडीए को 400 पार ले जाना, तो उनको पता है कि दक्षिण में अगर नंबर नहीं आए तो फिर यह पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उनका पूरा फोकस दक्षिण पर रहा। पीएम मोदी का पूरा जोर इस बात पर है कि इस बार साउथ में बीजेपी सबको सरप्राइज करे, इसलिए पीएम मोदी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जोर लगा रहे। आज पीएम मोदी केरल में थे। इत्तेफाक यह भी रहा कि आज राहुल गांधी भी केरल में प्रचार कर रहे थे, मतलब दोनों नेता केरल में एक ही राज्य में पहुंच गए दोनों। लेकिन इसमें फर्क यह था कि जहां पीएम मोदी अपने पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स को जिताने में ताकत लगा रहे थे, वहीं राहुल गांधी की पूरी ताकत इस बात पर लग रही थी कि किसी तरह अपनी सीट वायनाड को बचाया जाए। आज यही बात राहुल गांधी के बारे में पीएम मोदी ने केरल में कही भी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को तो यूपी की खानदानी सीट बचाना भी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने केरल को अपना ठिकाना बना लिया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट पर इस बार जीत को लेकर वाकई में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है, चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। जिस संगठन की बात पीएम मोदी कर रहे हैं वो संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिस पर सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, लेकिन पीएफआई से जुड़ा राजनीतिक संगठन माना जाने वाला एसडीपीआई अब भी एक्टिव है। केरल में एसडीपीआई ने ऐलान किया था कि वो चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने में कांग्रेस का सपोर्ट किया जाए। एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही और यह भी कहा था कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स का प्रचार करने के लिए भी तैयार है। 2019 के चुनाव में एसडीपीआई ने केरल की 20 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस पार्टी को करीब 80,000 वोट मिले थे। इस बार केरल में कांग्रेस को एसडीपीआई के बिना शर्त समर्थन के ऐलान की बात पर कांग्रेस को ऐसा लगा कि यह बात उनके खिलाफ जा सकती है, इसलिए कांग्रेस ने कह दिया कि उन्होंने एसडीपीआई से ना तो कोई समर्थन मांगा है ना ही एसडीपीआई के समर्थन की उन्हें जरूरत है। लेकिन इस पर कांग्रेस केरल में लेफ्ट और बीजेपी दोनों के निशाने पर आ गई, दोनों कांग्रेस को इस बात पर लगातार घेर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और लेफ्ट के अटैक के बीच केरल में राहुल गांधी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी के सामने वायनाड में लेफ्ट ने बड़ा चेहरा एनी राजा और बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव में उतारा, जबकि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में लेफ्ट ने वायनाड में कमजोर कैंडिडेट उतारा था और बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा तो था नहीं। इसी वजह से 2019 में लेफ्ट के कैंडिडेट को 3 लाख से भी कम वोट मिले, एनडीए के कैंडिडेट को तो महज 78,000 मिले थे। 2019 में राहुल गांधी वायनाड में 7 लाख से ज्यादा वोट यानी करीब 65% वोट पाकर बड़े अंतर से जीत गए। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार लेफ्ट की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्र दोनों वायनाड में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केरल में लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेफ्ट और बीजेपी दोनों राहुल गांधी पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि वायनाड को फुल टाइम सांसद चाहिए, ना कोई टूरिस्ट सांसद चाहिए, क्योंकि भाई राहुल गांधी वहां पूरे टाइम तो रहते नहीं है। तो लेफ्ट भी कह रहा है कि ये तो पर्यटक सांसद हैं भाई, आते हैं घूम के चले जाते हैं। इसी वजह से वायनाड में राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।
पहले वो नामांकन के लिए वायनाड गए थे और बड़ा रोड शो किया, आज फिर वो वायनाड पहुंच गए, वहां पर राहुल गांधी ने रोड शो किया, वो केरल में 2 दिन के लिए गए हैं, कल भी वो केरल में ही रहेंगे और केरल में राहुल गांधी की वायनाड समेत सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी। केरल कांग्रेस के लिए अहम राज्य भी है क्योंकि 2019 के चुनाव में केरल की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जीती थी, सिर्फ एक सीट सीपीएम को गई थी। लेकिन इस बार केरल में भी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत दिख रही है। वैसे कांग्रेस के लिए मुसीबतों की कोई कमी तो है नहीं, आज वायनाड पहुंचने से पहले भी राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंस गए। जब राहुल गांधी तमिलनाडु से केरल के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है उसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया। ये रोको रोको जरा एक मिनट उड़ने के पहले। फिर चुनाव आयोग की टीम ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, देखिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं लेकिन उसके पहले वहां तलाशी हुई। हालांकि जांच के बाद हेलीकॉप्टर को आगे जाने के लिए क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बड़ा बवाल हो गया कि बॉस राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो गया। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ तो कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस बोली कि सिर्फ राहुल गांधी का ही हेलीकॉप्टर क्यों चेक होगा बॉस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का चौपर भी तो जांच करो। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग से दिक्कत नहीं है लेकिन पीएम और गृहमंत्री को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस तो मत दो। कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे उसको इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सर्च किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं के चौपर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को चेक करने चाहिए। चौपर की चेकिंग को लेकर विपक्ष जो इतना हल्ला कर रहा है उसके क्या नियम है यह भी सुन लीजिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन का एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उड़न दस्ता जो ये पूरे चुनाव में एक्टिव रहता है, छापा वापा मारता रहता है, तो इसके पास अधिकार होता है कि शक हो, शिकायत कहीं से मिली हो तो इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन कर सकती है फ्लाइंग स्क्वाड। इसके लिए रैली की जगह नेता के काफिले की गाड़ी, चौपर, नेता से जुड़े किसी ऑफिस या घर, कहीं भी इनको लगे कि यहां पे शक है, कुछ पैसा वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है तो वहां ये लोग तलाशी ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें किसी बड़े नेता के सर्च ऑपरेशन की मनाही हो कि ना ये तो राहुल गांधी का, ये नहीं छू सकते, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि सर्च ऑपरेशन की वजह से नेता की सुरक्षा में कमी ना आए। इलेक्शन कमीशन की टीम पूरे सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी तैयार करती है कि कल को कोई ये ना कह दे कि भाई ये तो डाल दिए, रख दिए, हम तो सोच रहे थे सर्च कर रहे हैं और इन्होंने फंसा दिया, तो पूरा जो है सब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही अपने नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से कैसे लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बॉस नोटों के बंडल मिल रहे हैं चुनाव आयोग को, सोने का बिस्किट मिल रहा है, शराब मिल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों में 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, मतलब करीब कितना हो गया, 40-45 दिन हो गया, इतने दिन में 44 दिन में चुनाव आयोग ने क्या क्या छापा मार के पकड़ा है आपको पता है? आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो छापा मार रहा है। आप 13 अप्रैल यानी 44 दिन, इसमें चुनाव 44 दिन में क्या क्या जब्त हुआ, जब्ती इसका डेटा बता रहा हूं आप। इसमें 4,658 करोड़ के चीजों को जब्त किया गया है, 4,658 करोड़ बॉस 44 दिन में चुनाव आयोग पकड़ चुका है। इसमें कैश कितना मिला है, कैश 395 करोड़ तो खाली कैश मिला है जो इधर से उधर जा रहा था, सोना चांदी ये सब कीमती सामान अगर मिला लीजिएगा तो ये 489 करोड़ रुपया का सोना चांदी चुनाव आयोग पकड़ चुका है। अब और सुनिए, इतने में आपका दिमाग घूम रहा है तो सोचिए जो शराब पीने वाले तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा, 489 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी है चुनाव आयोग ने 44 दिन में। हर शराबी भर भर के बद्दुआ देगा चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव में शराब बांटने दिया जाएगा? इसके अलावा मुफ्त में बटने वाला सामान, मुफ्त सामान जो मिला है वो मिला है 1142 करोड़ रुपया का, यह चुनाव आयोग ने पकड़ा है। और हर दिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, हर दिन 1 मार्च से लगातार
ऑलमोस्ट एवरेज 100 करोड़ की चीजें जब्त की जा रही है, 100 करोड़। इतना मामला इधर से उधर हो रहा है और लोग अल्लाह कर रहे हैं कि इसका क्यों चेक किए, उसका क्यों चेक किए। गजब ही है बॉस। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में जो जब्ती हुई थी वो 7,502 करोड़ की हुई थी। 13 अप्रैल तक कुल जब्ती 12,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग जब्त कर चुका है, ऐसे नोटों के बंडल, सोना चांदी सब कुछ। तो चेकिंग नहीं होगा तो मिलेगा, इसीलिए ना चेकिंग हो रहा है। चुनाव आयोग इस चुनाव को सही तरीके से करवाने पर जोर लगाए हुए, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर ही दबाव की राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को लगातार कोस रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फेवर कर रहा है और बीजेपी के इशारे पर ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारियों को हटा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के DIG को हटा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को हटाकर बीजेपी दंगों और हिंसा को उकसाना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मुर्शिदाबाद मालदा में एक भी दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की हो जाएगी। ममता ने धमकी दी कि अगर राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। कह रही है कि अगर वो सिंगूर में 26 दिन भूख हड़ताल कर सकती हैं तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 55 दिन भूख हड़ताल पर बैठ सकती है। आए दिन वो दंगा हो जाएगा इसकी बात कर रही है, जबकि अभी तक कोई दंगा हुआ नहीं है। और कुछ अधिकारी ही दंगा रोक सकते हैं बंगाल में पुलिस में, बाकी पुलिस क्या दंगा रोकने के काबिल नहीं है। ममता बनर्जी ये बातें इसलिए कह रही है क्योंकि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट नहीं है कहा जा रहा है। वो बीजेपी को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बीजेपी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ममता बनर्जी को इस बात की टेंशन है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ना उभर जाए। बंगाल को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बंगाल की नंबर वन पार्टी बनने जा रही है। मतलब वो TMC को भी पीछे छोड़ देगी, ये प्रशांत किशोर कह चुके हैं। चुनाव पूर्व कई सर्वों में यह दावा किया जा चुका है कि बीजेपी बंगाल में 42 में से 25 सीटें जीत सकती है और TMC 17 सीटों पर सिमट सकती है। इसलिए भी ममता बनर्जी टेंशन में। इंडी गठबंधन की प्लेयर ममता बनर्जी को बंगाल में झटका लग रहा है, तो इंडी गठबंधन को बिहार जैसे राज्यों में बची खुची उम्मीद है। वहां भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर इंडी गठबंधन का स्कोर 0 करने की ठान रखी। बिहार में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया बॉस। ये यूपी में तो कर ही रहे थे, ये बिहार में भी चले गए। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैली की। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये बिहार में उनका इस चुनाव का पहला अभियान है। बिहार में सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की बात करने वालों के बीच है। सीएम योगी ने यूपी में अपने मॉडल को याद दिलाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून न मानने वालों का राम नाम सत्य हो जाता है। बिहार में सीएम योगी ने क्या क्या कहा है एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि योगी के ताबड़तोड़ हमलों ने कैसे लालू यादव को साइलेंट मोड से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और RJD के ही लोग हैं। बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया उसे देखकर अब लालू यादव को भी एक्टिव होना पड़ा। लालू यादव खराब सेहत की वजह से चुनावी रैली में तो नहीं दिख रहे, लेकिन आज लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर शेयर किया और संविधान संशोधन को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला देकर धमकी दे दी। लालू यादव जी को भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर बताता हूं कि बिहार में मोदी योगी की जोड़ी कैसे लालू की टेंशन बढ़ा रही। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरे गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आँख निकाल लेगी इनका।
लालू यादव धमकी दे रहे हैं कि आंख निकाल लेगी जनता। इनकी बेटी धमकी दे चुकी है कि एक बार सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। लालू यादव की अटेंशन इसलिए है क्योंकि यूपी के बाद अब बिहार में भी मोदी योगी की जोड़ी धूम मचा रही है। दक्षिण बिहार में सीएम योगी की रैलियों की खूब डिमांड है कहा जा रहा है। आज सीएम योगी ने औरंगाबाद और नवादा में जब रैली की तो औरंगाबाद और नवादा में 19 अप्रैल को वोटिंग भी है। इसके अलावा 19 अप्रैल को गया और जमुई में भी वोटिंग है। पीएम मोदी जमुई और नवादा दो जगहों पर रैली ऑलरेडी कर चुके हैं। कल पीएम मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी रैली करने वाले हैं। जिस पूर्णिया में पीएम कल रैली करने वाले हैं वो इस चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि वहां पर पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद की आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया और कांग्रेस में जाकर भी पप्पू यादव को पूर्णिया में निर्दलीय लड़ना पड़ रहा। पप्पू यादव के साथ ही न्याय नहीं करा पाए राहुल गांधी, न्याय यात्रा निकाले थे। पप्पू यादव ने तो पूर्णिया नहीं छोड़ा लेकिन आरजेडी के खेल से एक और नेता को बिहार छोड़ना पड़ा और इस नेता का नाम है कन्हैया कुमार। वही जेएनयू वाले कन्हैया कुमार जो आजकल कांग्रेस में है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिया है। कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में थे, 2019 का चुनाव बेगूसराय से लड़े थे लेकिन बेगूसराय में हार जाने के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस उनके लिए बेगूसराय की सीट अपने गठबंधन से तो ले नहीं पाई, ना ही बिहार में कोई और सीट दिलवा पाई कन्हैया कुमार को। एक सीट नहीं दिला पाई लोग बिहार में। पप्पू यादव को नहीं दिला पाए तो इनको कैसे दिलाते, क्योंकि आरजेडी ने उन सीटों पर कैंडिडेट्स का एक तरफा ऐलान कर दिया था जिन सीटों पर कन्हैया कुमार के लड़ने के चांस बताए जा रहे हैं। माना जाता है कि आरजेडी के विरोध की वजह से कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार से हटाकर अब कहां दिल्ली ले आई कि जाओ दिल्ली से लड़ो। तो 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार को बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से हराया। उस चुनाव का अगर रिजल्ट आपको बताऊं, कन्हैया कुमार अपने गृह प्रदेश में कैसे चुनाव में रगड़ दिए गए थे आप देखिए। आपको 2019 का बता रहा हूं, बेगूसराय इसमें गिरिराज सिंह को कितना वोट आया था, गिरिराज सिंह को जो बीजेपी के कैंडिडेट थे इनको वोट आया था करीब 692,000 वोट, 692,000 वोट आया था इनको। और कन्हैया भैया को जो है कन्हैया कुमार इनको वोट कितना आया था, इनको वोट आया था 269,000। यानी गिरिराज सिंह और इनके बीच जो अंतर था वो था 422,000। तो जो कन्हैया कुमार अपने गृह प्रदेश में 422,000 वोट से हार गए थे उन्हें अब दिल्ली भेजा गया कि तुम जाओ दिल्ली में लड़ो। इस बार कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट दिया। यह भी कन्हैया कुमार के लिए बहुत मुश्किल सीट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी दिल्ली के इकलौते सांसद हैं बीजेपी के जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा किया। मनोज तिवारी के अलावा बीजेपी ने दिल्ली में बाकी सभी का टिकट बदल दिया, कुछ लड़े नहीं कुछ को बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट सीट पर उतरने पर कन्हैया कुमार ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि क्यों मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट सीट में टक्कर देना आसान नहीं है। जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। कन्हैया कुमार की आवाज में वो दम नहीं लग रहा है, लग रहा उनको अंदर से धक धक है। कन्हैया कुमार की एंट्री से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर लोगों की दिलचस्पी हालांकि बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को टक्कर देना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है इस पर करीब 28% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक हैं जिनमें से 3 विधायक इसी नॉर्थ ईस्ट सीट से आते हैं। 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी को यहां करीब 788,000 वोट मिला था, 788,000, जबकि मनोज तिवारी के सामने 2019 में शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेता लड़ रही थी, तब मनोज तिवारी को 788,000 वोट आए। पिछली बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी और इस बार दोनों साथ लड़ रही। लेकिन आप यह भी देखिए कि 2019 के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट जोड़ भी लिए जाए तो भी वो मनोज तिवारी के करीब नहीं आते।
और दूसरी बात यह कि मनोज तिवारी का वोट 2014 की तुलना में 2019 में और बढ़ गया था। भाई देखिए ना आप, मनोज तिवारी का हाल देखिए आप, जिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात हो रही है वहां कैसे कन्हैया कुमार हराएंगे, ये क्वेश्चन है कि आपको बता रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इस सीट पर क्या कैलकुलेशन है भाई जरा देखिए। मनोज तिवारी जी हो बिहार का लाला जो गाना गाए हैं रिंकिया के पापा, वो 2014 में इनको कितना वोट मिला, 5,96,000 5,96,000 वोट मिलता है मनोज तिवारी को 2014 में। 5 साल काम करते हैं, वोट क्या होता है भाई, वोट 5,96,000 से बढ़कर 7,87,000 हो जाता है। ये मनोज तिवारी का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पे जलवा है, ऑलमोस्ट 2,00,000 वोट बढ़ गया। और इसी 2019 में अगर आप देखिएगा तो शीला दीक्षित को कितना वोट आया था, शीला दीक्षित को इनको कितना वोट आया था, इनको आया था 4,21,000 21K शीला दीक्षित को, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, और आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को उतारा था, इनको कितना वोट आया था, इनको आया था 1,90,000। तो अगर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट जोड़ भी दें, इन दोनों का वोट जोड़ दें तो इन दोनों का वोट जोड़कर भी कितना होता है, 6,11,000। और मनोज तिवारी अकेले कितना वोट लाए थे, 7,87,000। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़ भी दीजिए तो भी मनोज तिवारी का वोट जो है 1,75,000 प्लस है, 1,75,000 प्लस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़कर। और ये तब है जब दोनों अलग लड़े, अब साथ लड़ेंगे तो कई लोग तो कहते हैं कि इनके अपने लोग भी इनको वोट नहीं करेंगे कि कैसे तुम दोनों साथ लड़ रहे हो जी। तो कन्हैया कुमार की तो राह आसान नहीं है। इसके अलावा मनोज तिवारी के फेवर में यह बात भी जाती है कि कन्हैया कुमार की छवि विवादित रही है। जेएनयू मामले को लेकर कन्हैया कुमार खूब विवादों में रहे, उन पर आरोप लगते रहे कि वो जेएनयू में देश के खिलाफ बातें करने वालों के समर्थक रहे। इन्हीं सब बातों को मनोज तिवारी और बीजेपी याद दिला रही है। सुनिए कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी ने क्या कहा है। कांग्रेस की मानसिकता ऐसे लोगों को नहीं चुन पाई अपनी पार्टी में जो देश का सम्मान करता हो, सेना का सम्मान करता हो, प्रधानमंत्री जैसे पद को मर्यादित ढंग से बात करता हो। कि आपने कहीं सुना कि पूर्वांचल का व्यक्ति सेना को गाली देता हो, पूर्वांचल का व्यक्ति सेना का अदम्य साहस का सम्मान करता है और इस देश का सम्मान करता है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेतृत्व करने वाले लोगों के अपना परिचय भी नहीं जोड़ सकता। दरअसल कन्हैया कुमार को दिल्ली से उतारकर कांग्रेस माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगे, लेकिन दिल्ली में एनडी गठबंधन की राह आसान नहीं है क्योंकि पिछले 2 बार से दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत रही है और इस बार तो केजरीवाल जेल के अंदर है। दूसरा, लोग कन्हैया कुमार के पुराने वीडियो निकाल के भर भर के दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि यही कन्हैया कुमार भर भर के पहले कांग्रेस को गाली देते थे, इन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होने के आरोप लगते रहे हैं और लेके रहेंगे आजादी के नारे तो इनके बहुत ही गूंजे थे। तो अब पब्लिक इन पर भरोसा करेगी या मनोज तिवारी पर, यह जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक संकट तो आम आदमी पार्टी पर भी है। पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नया झटका लग गया है, चुनाव लग रहा है कि हाथ से गया इनके। तिहाड़ में अपने ही बनाए नियम में केजरीवाल कैसे फंस गए। केजरीवाल के बाद तिहाड़ पहुंचने का नंबर अब क्या अमानतुल्लाह खान का है, अब इसका चैप्टर।